वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज श्री गुरु ग्रंथ साहब अकैडमी जो कि मलेशिया दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते प्रचार की सेवा निभा रही है और दसम पातशाह की बाणी जिहड़ी किंतु परंतु बहुत लंबे समय तो मलेशिया की संगत दे विच पाई जा रही सी उहदे बारे अज इत्थे एक मीटिंग की गई है जिहदे विच इत्थे दे सारे लोकल सिंघां ने बह के असीं फैसला लिया कि असी बाणी की विज विचार गुरद्वारा बंगला साहब तो लगातार करा रहे हैं। उहदी इन्हां ने सलाघा की है कि संगत नूं हुण समझ आ रही है कि जफरनामा या होर जिहड़ियां बाणियां असी करा चुके हैं और जो अगे कराण जा रहे हैं तय प्रसाद सवैये हुण अगे आने वाले समय के शब्द हजारे पातशाह दसवीं अते होर कई असी ये बाणियां दे बारी बारी सिर अगे वध रहे हैं। उहदा इक्को ही कारण है कि असी चाहुंदे हां कि संगत नूं जिहड़ा गुमराह किया जा रहा संगत नूं जिहड़ी इहदे बारे प्रतक जानकारी नहीं दित्ती जा रही संगत नूं जो कि दस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने पूरा सरबंस वारता उन्होंने हद लिखी बाणी उत्ते इन्ने वड्डे कोस्ते मारे संगत सुन ले समझ ले बूझ ले जे संगत नूं उन्हां दे अर्थ गलत लगते हैं जे संगत नूं उन्हां दे बारे गलत इनफॉर्मेशन है तो फिर सानूं नहीं पढ़नी चाहिए पर जे उहदे अर्थ सही ने जो सानूं चंगी राह दिखाउंदे है फिर असी अपने प्यो की बाणी दे किंतु परंतु नहीं कर सके। पिछले दिन असी जाप साहब जी सिलसिला कथा कराई बंगला साहब तो संगत ने बहुत सलाया तो मैं लगता है कि अज माहौल है कि आप बाणी पढ़ीए बाणी समझिए बाणी बूझिए उस तो बाद उसने कोई फैसला लीए। सो जिस तरीके नाल इत्थे मलेशिया दे ये वीर सरदार परमजीत सिंह खालसा सरदार अमरजीत सिंह ते होर सारे वीर इत्थे बैठे आ ये सारे जो इस गल ते पहरा दे रहे हैं मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों उन्होंने विश्वास दवाउना कि साडे वालों जो भी सेवा चाहणगे असी हमेशा हाजिर हाँ और मैं खास करके मलेशिया की संगत को बेनती करता कि तुसी इन्हां वीरां दा सहयोग करो बाणी पढ़ो बाणी समझो बाणी बूझो ताकि असी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने अपना पूरा सरबंस वारता साडे विच अज असी उन्हां दे साहिबजादे साहिबजादियां हैगे असी अपने प्यो ते किवें किंतु परंतु कर सकते हैं किवें उन्हां दी बाणियां ते किंतु परंतु कर सकते हैं। सो दुश्मन नूं पहचानीए उह किस रूप विच आ के सानूं दुख करे और कुछ साडे भरा भटक गए ने मैं उन्हां नूं बेनती करदा कि वापस आओ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸੁਝਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि आप दसम पातशाह की बाणी से डट के पैरा देवे और अज एक गल समझ लीए जे कोई सिख श्री हरकृष्ण से आई है जिस जिठे सब दुख जाए पढ़ता है तो यह भी दसम पातशाह ने लिखा कितने कल तुम यह भी बोलना बंदना करा दें कल बंगला साहब के उत्ते वे वे बोर्ड लगे तुरवा ना देन। सो संगत जी इस बारे जानकारी तुम्हें देनी बहुत जरूरी है इनू समझिए कि सानू किस पास लैके जा रहा है। सो मैं लगता है कि अज जिस तरीके इतने मीटिंग हुई है और जिस तरीके असी इस विचार तो उतरे हैं वो आने वाले समय के असी चाहते हैं कि संगत भी साढ़े नाल ये पूरा सहयोग करे और जे कि कोई गलत गल है असी बैठे हैं भाई साहब बैठे ने इतने विद्वान बैठे ने आप इसे विचार करिए ना कि इनू पब्लिकाइज करके इनू क्रिटिसाइज करिए। सो मैं आप सारा धन्यवाद करदा और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैंने अपने पंथ की थां बख्शी गज की फतेह बुलाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।